नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बार फिर से स्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर ने मोर्चा खोला है और लगातार ये लोग आप धरना प्रदर्शन पर बैठे थे काफी दिनों से, उन्होंने कंटिन्यू स्ट्राइक भी की थी स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर बैठकर। आज फिर से प्रेस क्लब में जेके गवर्नमेंट के खिलाफ लगातार नारेबाजी लगा रहे और ये कहा जा रहा है कि एलजी साहब और सुनो जाकर ये दावे किए जा रहे थे कि सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है, अगर सरकार केंद्र में आती तो इस कैजुअल लेबर डेली लेबर का मसला हल किया गया। वही दूसरी तरफ जब गठबंधन सरकार थी भाजपा और पीडीपी एसआरओ 520 यानी 520 लागू किया गया था, पर वो एसआरओ भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में या कहीं गुमनाम उसको कर दिया गया, उस एसआरओ को भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जहाँ एक तरफ खुशी की लहर दौड़ी थी एसआरओ 520 को लेकर, जिसकी सर्विस 10 साल हुई इसे 10,000 रुपया, जिसकी 20 साल हुई 20,000 रुपया, जिसका 25 साल हुई इसको 25,000 रुपया महाना जो है तनख्वाह मिलेगी एसआरओ 520 के अंतर्गत, पर वो एसआरओ सिर्फ लाया तो जरूर गया था पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आज फिर से कैजुअल लेबर स्टेट डिपार्टमेंट ने धरना प्रदर्शन किया है। कुछ दिन पहले डिविजनल ऑफिसर के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, अब ये प्रेस क्लब में कर रहे हैं। कपड़ा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार रोटी कपड़ा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। काफी सालों से ये लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारें आई सरकारें गई, पर सवाल ये है कि इन लोगों का सिर्फ शोषण ही होता रहा और जो आज भी होता रहा है। भाजपा सरकार पर कहीं ना कहीं इनको उम्मीद थी पर वो भी कहीं ना कहीं। मुख्तियार जी क्या कहेंगे कि लगातार सरकारें आती रही जाती रही, आप लोगों को आश्वासन मिलते रहे पर कहीं ना कहीं आपके मसलों का आज तक हल नहीं हुआ, फिर आप सड़कों पर उतरे। सबसे पहले जम्मू की जितनी भी मीडिया कर्मचारी है हम आपका शुक्रगुजार तहे दिल से करते हैं कि आए दिन आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर खाली स्टेट डिपार्टमेंट का कैजुअल लेबर नहीं बल्कि 61,000 कैजुअल लेबर जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी सरकारें आई। आज जो रनिंग सरकार है भारतीय जनता पार्टी 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, आपने खुद देखा जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जम्मू कश्मीर का जितना भी मंत्रिमंडल हो उनके घरों के अंदर हमारा स्टेट डिपार्टमेंट का सफाई कर्मचारी हो, चौकीदार हो, पॉपुलेटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इतने किस्म की रात दिन 24 घंटे जम्मू कश्मीर की सरकार स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का खून निचोड़ रहे हैं और 25-25 साल हो गए। शर्म की बात है जम्मू कश्मीर की सरकार 225 रुपया पर डे हमें देती है और कहीं सालों के बाद 20 साल के बाद जब कलेक्शन सरकार थी आए दिन पीछे एसआरओ 520 जम्मू कश्मीर की जब कलेक्शन सरकार थी पीडीपी और बीजेपी की, इन्हीं लोगों ने ये जो नेता आज बनते हैं इन्होंने एसआरओ 520 बनाया और जम्मू कश्मीर के अंदर टेलीविजन को सिर्फ कोई 600 ऑर्डर हुए हैं और स्टेट डिपार्टमेंट का टेलीविजन की फाइलें जो है जो जम्मू कश्मीर का मंत्रिमंडल को जितने भी रात दिन 24 घंटे चलाते हैं और इसी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 टेलीविजन नहीं बल्कि 60,000 परिवार जो है 6 लाख परिवार बनता है हमारे परिवारों का खून जम्मू कश्मीर की सरकार आज जो है आज बीजेपी सरकार है इस सरकार ने आज दिन मजाक बनाया हुआ इन्होंने कभी कोई मीटिंग का टाइम देते हैं डेली मीटिंग का टाइम लेते हैं। कल की मीटिंग रखी थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैजुअल लेबर का एसआरओ 520 और एसआरओ 64 पर हम कोई फैसला लेंगे और आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो सरकारें हैं इनको एक यहां से हम एक चेतावनी देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर का 60,000 डेलीविजर जब सड़कों पर उतरेगा उसका खमियाजा इसी बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा और हम जल्द से जल्द इसी सरकार को मीडिया के माध्यम से एक पैगाम देना चाहते हैं। अगर जल्द से जल्द हमें 20-30 साल हो गए हैं स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी, 50 विधवा औरतें आपने खुद देखा आए दिन 50 विधवा औरतें हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, 450 मुलाजम जम्मू कश्मीर का है और हमारे कैबिनेट डिसीजन हुआ है उसके बावजूद भी ये जो सरकार है हमारे साथ मजाकबाजी कर रही है, हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं और अजीत साहब को नहीं बल्कि हम प्रधानमंत्री जी को और एक अमित शाह जी ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर आकर जबकि 5 लाख लोग रैली में थे कहा मिनिमम वेज एक्ट दिया वो भी मजाक है और एसआरओ 520 है, हम ये चेतावनी देना चाहते हैं अगर जल्द से जल्द स्टेट डिपार्टमेंट नहीं बल्कि 60,000 डेलीविजन का फैसला नहीं इस सरकार ने लिया और बीजेपी सरकार तो 50 सीटों का नाम लेती है मुझे लगता है आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर 0 सीट इनकी रहेगी अगर 61,000 डेलीविजन को इंसाफ नहीं दिया जाएगा और हम
मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, अगर दो दिनों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट नहीं बल्कि 60,000 कैपिटल लेवल की मीटिंग सेक्रेटरीट के अंदर सेना साहब नहीं करते और आने वाले दिनों के अंदर एक ऐसा आंदोलन जम्मू कश्मीर के अंदर होगा और सेना साहब को इसका अंजाम देना पड़ेगा। आज डेलीविजन का नाम आपने देखा, बीजेपी का कोई भी नेता जम्मू कश्मीर की डेलीविजन को इस टाइम सियासत का मसला बनाया हुआ है और कभी भी कोई भी बयान इन्होंने आज तक नहीं दिया। कभी बोलते हैं हमने ये सरकार की जम्मू को स्मार्ट बनाया, अरे 60,000 डेलीविजन का खून इन लोगों ने चूसा, एसआरओ 520 को दबाया हुआ, क्यों दबाया, मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, अगर इन्होंने कहा हमने यूटी को बनाया और यूटी रेट जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं दिया जा रहा है, हम इनको चुतो नहीं देना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमारा फैसला नहीं करेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा आंदोलन करेगा उसका खमियाजा इसी सरकार। 15 तारीख को आपने देखा ये हमारे पास ऑर्डर पड़े हैं, वो अभी कागज किसने, हमारे पास ऑर्डर पड़े हैं, इसी चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ पर मीटिंग रखी हुई थी, एसआरओ 520 और एसआरओ 64 के ऊपर एक मीटिंग होगी और 15 तारीख नहीं, ऐसे हजारों ऑर्डर आए और किसी भी ऑर्डर का इस सरकार ने आज तक हल नहीं निकाला है। हम यही फैसला को देना चाहते हैं, अगर जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का कैपिटल लेवल जो स्टेट डिपार्टमेंट का है, जो जम्मू कश्मीर के मंत्रिमंडल हो, आज बीजेपी के कहीं दिग्गज नेता स्टेट डिपार्टमेंट के बंगलों के अंदर आराम एक बादशाह शहंशाह की तरह बैठे हुए और स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी दर बदर ठोकरे खा रहा है, उसका पहले तो हम मीडिया का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें जो 15 तारीख दी तो इन्होंने हमें उम्मीद दी गई है कि आपका कोई ना कोई मसला हल किया जाएगा इस पे मीटिंग है, लेकिन ये बार बार सरकारों ने हमारे साथ फेक किया है तो आज भी इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन ये लोग चुप रहने वाले नहीं है, जो 61,000 डेली वेजर है जम्मू कश्मीर के अंदर, इन्होंने पहले तो जूती का झूठा लाचन दिया कि जूती के अंदर तब्दील किया गया, लेकिन जूती अगर बनाई गई तो उसकी भी मैनुफेक्चर एक्ट किसी को लागू नहीं हुआ। लेकिन ये हमारी जो फाइल है सेक्टर के अंदर पड़ी गई है, तो आज तक ये ही हम पूछना चाहते हैं गवर्नर साहब से अपील करके कि इन मसलों पे हल क्यों नहीं किया जा रहा, हमें रेगुलेशन किया जाए, 25 साल से हम आपकी खिदमत कर रहे हैं तो 10 साल तो आपको भी स्टेट में आए हुए हुआ है, तो लेकिन फिर भी इन्होंने लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो यही जो कहना चाहते हैं कि जो जो बार बार आप लोग डेली वेजरों के साथ मजाक कर रहे हैं, जो मजाक बांधी बंद कर दिए, अब इतने मुलाजमों की आपसे यही अपील है कि मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप होश में आइए, नहीं जो 18 तारीख को जो बांडे प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं जितने भी मुलाजिम हैं, जो 61,000 और बाकी डिपार्टमेंट सारे आ जाएंगे, उसकी जिम्मेदार जहाँ की सरकार होगी। देखिए हम लगातार यहाँ के लाइव दृश्य देख रहे हैं कि किस कदर ये लोग परेशान हैं। ये जीत कुमार जी जिनको हमने उस दिन घर की हालत बताए थे और अभी तक भी शायद किसी प्रशासन सरकार को शर्म नहीं आई है, क्या कहेंगे सर जी? पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले ये शर्म की बात है, ये 225 रुपए पर अपना मकान बनाएगा, चाहे रोटी खाएगा, क्या करेगा? अभी मुलाजिम एकजुट हो चुका है, अभी हम जल्द ही कोई एक जनरल मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद अगला कदम जो होगा हमारा उग्र प्रदर्शन का होगा। और 18 तारीख को हमने वैसे भी एक दिन का प्रोटेस्ट स्टेट विजन में रखा हुआ है, हम इसको देखते हुए एलजी साहब से भी एक बार फिर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे मसले को हल कीजिए, वरना हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जय हिंद जय भारत। साफ तौर पर आपने देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट के लगातार प्रदर्शन भी चलते रहे, हमने उनकी बात भी प्रशासन सरकार तक लाने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहेंगे केंद्र सरकार ने भाजपा सरकार से उम्मीदें थी डेली वेजर और कैजुअल लेबर को, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि जब हमारी अगर सरकार आती है केंद्र में तो जरूर डेली वेजर कैजुअल लेबर के मसले हल करेंगे। जहां पर एक तरफ लगातार डेली वेजर पीआरसी विभाग के और अन्य डेली वेजरों ने यह आह्वान किया कि 21 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर का घेराव करेंगे, वहीं दूसरी तरफ 18 दिन का एक दिन के प्रोटेस्ट का आह्वान भी कर दिया स्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स में, जिन लोगों को 25-25 साल हो गया, आखिर उनके भविष्य क्या, उनके परिवार का भविष्य क्या, कि आने वाले दिनों में किस तरह से अपने परिवार का और खुद का गुजर बसर करेंगे। कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि ये सरकार आई तो सही है, पर कहीं ना कहीं उम्मीद बनकर आई है और उनकी उम्मीदों के साथ ये लोग आज तक उम्मीद लगाए थे कि इनका कहीं ना कहीं भला होगा। पर जिस तरह से 15 तारीख को कुछ दिन पहले हमने डेली वेजर्स का इंटरव्यू किया था पीएचई डिपार्टमेंट विभाग का, उन्होंने कहा कि
15 तारीख तक हमें है उम्मीद कि कहीं ना कहीं बजट में डेली वेजर कैजुअल लेबर के लिए कुछ ना कुछ होगा, पर इस बार बजट में के माध्यम से भी इन लोगों को ना मायूसी हाथ लगी है। अब देखना यह है कि किस तरह से इन लोगों के और कब मसले हल होंगे। लगातार ये लोग सड़कों पर है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।